Good afternoon, students. In lesson 5, we have already completed our first page. And till now, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा कि जो लेखक है इसमें उनका ये कहना है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमें पता होता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है. समाज में अगर कहीं गलत होता हम देखते हैं, कहीं इनइक्वालिटी होता हुआ हम देखते हैं और बस देखते हैं, लेकिन उसका हम विरोध नहीं करते हैं, तो ऐसे में खुद को पढ़ा लिखा कहने का कोई मतलब नहीं बनता. तो ऑब्वियसली स्पष्ट रूप से हमें यह जानना चाहिए कि हमें विरोध करना चाहिए, हमें एक रिस्पॉन्ड हमारे अंदर से होना चाहिए, एक जवाब होनी चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है. तो गलत चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करने का मतलब है कि हम उन्हें और होने के लिए बढ़ावा देते हैं, उन्हें और प्रोत्साहित करते हैं कि गलत काम हो रहा है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो as we are educated, we should always oppose the wrong things going on in the societies. And wherever we see such types of inequalities, we should oppose that one. And now, हमने इस लेसन में देखा कि लेखक जिनका जीवन जो है काफ़ी व्यस्तताओं से भरा होता था और वो सुबह उन्हें 9 बजे ऑफिस पहुंचना होता था और एक सुबह वो ऑफिस के लिए निकले, ऑटो में बैठे और उन्होंने देखा ऑटो के में उनके साथ एक महिला प्रोफेसर बैठी हुई थी जो शायद बिलोंग करती थी डाविनसन यूनिवर्सिटी से. जैसा कि उन्होंने एक बैग ले रखा था और उसी बैग के ऊपर एक इम्प्रिंट था, एक छाप था डाविनसन यूनिवर्सिटी का. तो इसके बाद उसी महिला प्रोफेसर और उस वो ऑथर उस ऑटो में जा रहे थे और ठीक 5 मिनट के बाद ऑटो रुकती है और एक और महिला जो है वो उस ऑटो में सवार होना चाहती है, लेकिन ये प्रोफेसर महिला अपोज करती है और ड्राइवर से कहती है कि वो उस महिला को किसी दूसरी ऑटो में भेजे. एंड नाउ आगे स्टार्ट करेंगे हम लोग. द लेडी सीम्ड लाइक अ डेली लेबरर विथ स्टेंस ऑफ डर्ट एंड डस्ट अक्रॉस हर साड़ी. दैट इज वो महिला जिसकी साड़ियों पर गंदगी और धूल के धब्बे थे, देखने से जान पड़ती थी क्या वो एक दिहाड़ी मजदूर, एक दैनिक मजदूर के रूप में दिखती थी. तो द लेडी सीम्ड लाइक अ डेली लेबरर, वो औरत देखने से प्रतीत होती थी एक दिहाड़ी मजदूर, एक दैनिक मजदूर, विथ स्टेन्स ऑफ डर्ट एंड डस्ट अक्रॉस हर साड़ी, और उसकी साड़ी पर क्या लगे हुए थे तो गंदगी और धूल के धब्बे लगे हुए थे, और उन्हीं धूल कण के धब्बों को देख करके ऐसा जान पड़ता था कि वह कोई डेली लेबरर हो, कोई रोज दिहाड़ी पर काम करने वाली मजदूर हो. सी लुक्ड फीबल, वह दिखने से भी बिल्कुल फीबल दिख पड़ती थी, कमज़ोर दिखती थी, बट हर हैंड फुल ऑफ स्क्रैचेस एंड स्टिफनेस प्रूव्ड हर स्ट्रेन्यूअस वर्क फॉर ए लिविंग. सो सी लुक्ड फैबल, वह दिखने में भी काफ़ी कमज़ोर थी एंड लेकिन उसके जो हाथ थे फुल ऑफ स्क्रैचेस एंड स्टिफनेस, उसके हाथ जो पूरी तरह से खरोच और सख्तीपन से भरे हुए थे, उसके हाथ काफ़ी सख्त थे और यही चीज़ें उसके हाथ पर जो खरोच के निशान थे, जो सख्तीपन के निशान थे, वो साबित करते थे उसके असाध्य श्रम को, उसके काफ़ी कठिन काम किए जाने को साबित करते थे फॉर ए लिविंग, अपनी जीविका चलाने के लिए. एंड नाउ शी हैड सम मैशनरी टूल्स, उसके पास कुछ मैशन, जैसे मैशन का मतलब राजपूत राजगीर होता है, तो मैशन राजगीर जो ईंट ब्रिक्स वगैरह का काम करते हैं, जोड़ने का मकान बनाते हैं, तो शी हैड सम मैशनरी टूल्स, उसके हाथों में कुछ ये इसी राजगिरी के कुछ औजार थे, एंड डस्टी एंड ओल्ड, और ये औजार भी जो है धूल से भरे और काफ़ी पुराने थे. आवर लेफ्ट बैक, ए बैक मीन्स हतप्रभ हो जाना, काफ़ी चौंक जाना, स्तब्ध रह जाना. तो आई वॉज लेफ्ट ए बैक, मैं बिल्कुल से हतप्रभ सा होकर रह गया. वैन द प्रोफेसर सेड
सी कैनॉट सीट विथ हर, जब उस प्रोफेशनल महिला ने कहा कि वह उसके साथ नहीं बैठ सकती, यानी कि उस महिला के साथ जो दिखने में एक डेली लेबरर के तरह दिखती थी। तो यहाँ पर प्रोफेशनल महिला ने जो है काफ़ी एक स्ट्रेंज कमेंट किया यहाँ पे कि वो उस दैनिक मजदूर जैसी दिखने वाली महिला के साथ नहीं बैठ सकती। और इसी बात ने ऑथर को, यानी कि इस कहानी के लेखक को, जो उसी प्रोफेसर महिला के साथ ऑटो में जा रहे थे, इस बात ने, प्रोफेसर महिला की इस कमेंट ने, इस स्टेटमेंट ने उन्हें बिल्कुल हतप्रभसा कर दिया। सी कांट सिट इन द ऑटो, वह ऑटो में नहीं बैठ सकती। दिस इज माई व्हीकल, आई डिसाइड हु विल गो और नॉट, सेड द एंग्री ड्राइवर। तो अभी सी कांट सिट इन द ऑटो, ऐसा लेखक सोच ही रहे थे, उनके मन में ये विचार आया कि ऐसा ये कैसे बोल सकती है कि सी कांट सिट इन द ऑटो, वो ऑटो में नहीं बैठ सकती। लेकिन तब तक यहाँ पर, तभी जो ड्राइवर है वो गुस्सा होते हुए बोला बीच में ही कि दिस इज़ माय व्हीकल, ये मेरी गाड़ी है, एंड आई डिसाइड, मैं तय करूँगा हु विल गो और नॉट, कि कौन जाएगा कौन नहीं। मेरी गाड़ी है, मैं तय करता हूँ कि कौन जाएगा या नहीं, उस गुस्साए हुए ड्राइवर ने कहा। आई विल पे द फुल फेयर, लेकिन मैं पूरा भाड़ा चुकाऊंगी, पूरा भाड़ा दूंगी। ये स्टेटमेंट है फिर से उस प्रोफेसर महिला का। एंड नाउ यहाँ पर स्टेटमेंट फिर से ऑथर का आ रहा है, लेखक का, कि माई एंगर वॉज नियरली आउट ऑफ कंट्रोल, मेरा जो क्रोध था अब वो करीब करीब सीमा से परे था, मतलब सीमा के बाहर हो चला था। सडनली, अचानक, आई स्पोक विथ अ बर्स्ट, अचानक मैं बरसते हुए, मैंने काफ़ी गुस्से में फूट पड़ा, बोल पड़ा, काफ़ी मैं बरसते हुए बोल पड़ा, क्या, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू, किस तरह के व्यक्ति हो आप, बीइंग अ टीचर, एक शिक्षक होने के नाते, इज दिस, क्या यही है, व्हाट यू टीच योर चिल्ड्रेन, तो बीइंग अ टीचर, इज दिस व्हाट यू टीच योर चिल्ड्रेन, एक शिक्षक होने का मतलब यही है कि ये जो आप, क्या आप बच्चों को, एक शिक्षक हो आप, और एक शिक्षक होने के नाते क्या यही है, आप बच्चों को क्या सिखाते हो, डोंट यू हैव अ ह्यूमन हर्ट, क्या आपके पास एक मानव का जैसा हृदय भी नहीं है, आई थिंक, मुझे लगता है, यू डोंट नो, आपको नहीं पता व्हाट इज सिंपैथी, सहानुभूति क्या होती है, यू कॉल योर सेल्फ एन एजुकेटेड, आप अपने आप को एक सभ्य, एक शिक्षित बोलते हो, बट डोंट नो, लेकिन आपको पता नहीं हाउ टू शो कॉम्पिशन, कैसे दया दिखाया जाता है टुवर्ड्स अदर, दूसरों के प्रति। द लेडी गॉट एंग्री, लेकिन द लेडी गॉट एंग्री, वो जो प्रोफेसर महिला थी वो नाराज हो गई, एंड सेड, और बोली टू द ड्राइवर, उस ड्राइवर से, व्हाट, आई विल पे द फुल फेयर, मैं पूरा किराया दूंगी, जस्ट लीव दिस गाय हियर, इस, उसने गाय, यहाँ पे उस औरत को इशारा करते हुए कहा कि इस बंदे को यहीं पर रहने दो, मतलब उस औरत को यहीं पर रहने दो। द ड्राइवर वॉज इक्वली एंग्री, तो जैसा कि लेखक भी नाराज था, ऑथर भी नाराज था, तो जैसा लेखक नाराज था, ठीक उसी समान रूप से जो है ये जो ड्राइवर था, जो चालक था, वह भी समान रूप से नाराज था। ही रिस्पॉन्डेड, फिर उसने प्रत्युत्तर दिया, उसने जवाब दिया, क्या, जस्ट गेट डाउन, अभी कभी नीचे उतरो, आई डोंट नीड योर मनी, मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत नहीं है, यू आर वेरी मीन एंड हर्टलेस, तुम काफ़ी, आप काफ़ी, यस, तुम काफ़ी नीच और निष्ठुर स्वभाव की हो, यू शुड ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग, आपको सबसे पहले एक अच्छा व्यक्ति होने की ज़रूरत है, एंड देन अ गुड प्रोफेसर, और फिर आपको एक अच्छा प्रोफेसर होने के बारे में सोचना चाहिए। तो हियर द ड्राइवर जस्ट टोल्ड द लेडी दैट शी वॉज वेरी मीन एंड हर्टलेस, वो काफ़ी, उसके नेचर को उसने मीन और हर्टलेस बताया, एज हियर इट इज़ गिवन, यू आर वेरी मीन एंड हर्टलेस, आप काफ़ी, आप बिल्कुल नीच और निष्ठुर स्वभाव से हो, एंड यू शुड फर्स्ट ट्राई टू बिकम अ गुड ह्यूमन बींग एंड देन अ गुड प्रोफेसर, आपको एक अच्छा प्रोफेसर बाद में, पहले एक अच्छा व्यक्ति बनने का प्रयास करना चाहिए। एंड विद अ फ्यू एंग्री मर्मर्स, और उसी तरह के नाराजगी भरे थोड़े बड़बड़ाहट के साथ, द सो कॉल्ड मीन्स उक्त जो प्रोफेसर महिला थी उस कॉलेज की, विथ नो सच थिंग कॉल्ड ह्यूमैनिटी, जिसमें मानवता नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी इन हर, उसके अंदर, फॉर ए फैलो, अपने ही एक फैलो वुमेन के साथ, अपने ही एक साथी महिला के
पति जो है जिसके अंदर कोई सिंपैथी नाम की चीज़ नहीं थी, कोई ह्यूमैनिटी नाम की चीज़ नहीं थी, गॉट डाउन एंग्री एंड डिस्गस्टेड, वो बिल्कुल नाराज होकर और चिढ़ी हुई सी, डिस्गस्टेड बिल्कुल चिढ़ी हुई सी नीचे उतर गई ऑटो से। एंड द लेडी गॉट अप, और वो जो महिला थी, जो दैनिक मजदूर महिला थी, वो गॉट अप, सवार हुई, फ्रेजल वर्ब है ये गॉट अप, एंड पुट हर थिंग्स एट द बैक ऑफ द ऑटो, और उसने अपने जो सामान थे, उसके मैशनरी टूल्स थे, उन सबको ऑटो के पीछे रखा एंड सैट डाउन, और उसके बाद वो बैठ गई। नाउ देयर कम्स द स्टेटमेंट ऑफ द ऑथर अगेन, अनअवेयर ऑफ द पेस ऑफ टाइम, दैट इज समय के रफ्तार से बिल्कुल अनजान, बिल्कुल अपरिचित, आई वॉज फाइटिंग, मैं यहाँ पर जूझ रहा था, मैं यहाँ पर लड़ रहा था फॉर ए पर्सन्स राइट्स, एक व्यक्ति के अधिकारों के लिए, फंडामेंटल राइट्स, उसके मौलिक अधिकारों के लिए, आई वॉज सेटिस्फाइड, मैं संतुष्ट था, इवन दाउ इट वॉज ऑलरेडी लेट, यद्यपि मुझे पहले ही काफ़ी देर हो चली थी, लेकिन मैं संतुष्ट था। तो यहाँ पर यू ऑल should understand that why the statement is saying here that he was satisfied, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं कि वो संतुष्ट थे। It was because उन्हें लगा कि उन्होंने एक educated होने के नाते जो है गलत चीज़ का विरोध किया, और एक कमज़ोर और एक अनपढ़ महिला, एक कमज़ोर महिला के अधिकारों को जो है उन्होंने वहाँ पर सुरक्षित किया, सिक्योर किया, उस गलत चीज़ का अपोज करके, उस महिला प्रोफेसर के गलत सेंस को अपोज करके उन्होंने वास्तव में उस दैनिक मजदूर महिला का सहयोग किया उन्हें उनके मौलिक अधिकार को दिलाने में। एंड नाउ आई वॉज जस्ट गेटिंग डाउन फ्रॉम द ऑटो पेइंग माई फेयर, आई वॉज जस्ट गेटिंग डाउन, मैं बस उतर ही रहा था नीचे उस ऑटो से, पेइंग माई फेयर, अपना किराया देते हुए, व्हेन आई हर्ड अ लो रफ वॉइस सेइंग थैंक यू, दैट इज जब मैं बस ऑटो से किराया देते हुए उतर ही रहा था कि ठीक तभी मैंने एक दबी हुई सी, एक धीमी आवाज़ की आवाज़ मैंने सुनी कहते हुए, क्या थैंक यू, दैट इज शुक्रिया या धन्यवाद। तो बच्चों आप यहाँ पर समझ सकते हो कि थैंक यू उस डेली लेबर जैसे दिखने वाली उस महिला ने क्यों कहा होगा ऑथर को, बिकॉज उस ऑथर ने उसे एक सम्मान दिया था, उसे उसके मौलिक अधिकार का एहसास दिलाया था, और उसने एक एजुकेटेड पर्सन होने के नाते उस प्रोफेसर महिला का बखूबी विरोध किया, उसे अपोज किया, वो गलत थी और उसे गलत साबित किया, तथा ये चीज़ साबित करता है कि समाज में हर एक को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, किस हायर स्टेटस का हो, सभी के लिए इक्वालिटी होनी चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेसन, थैंक यू।